हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंड वर्क में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करेंगे और इस डिज़ाइन में मैंने स्टिच जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस डिज़ाइन की मदद से मैंने तोरण तैयार किया है और तोरण को आप दरवाजे पर, खिड़की पर या फिर आप दीवार पर भी लगा सकते हैं। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, तोरण के साथ साथ आप कौन सा डिज़ाइन देखना पसंद करेंगे तो वो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं एक एक करके सारे डिज़ाइन को बनाऊंगी, जैसे कि थाल पोज, पूजा आसन, टेबल कवर, जो भी आपको डिज़ाइन मन है देखने का तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। इस तोरण में ऊन कितना लगा, क्रोशिया का साइज सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी। तो चलिए अब हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम फोर चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। फर्स्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। इसी रिंग के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हम टोटल 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3, और इसके बाद हम रिंग के अंदर 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो 3 चैन और 4 डबल क्रोशिया को मिलाकर हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो अभी हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 क्रूस में फंदा लेंगे हम और रिंग के अंदर डालेंगे और फंदे को बाहर निकालेंगे, फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा चैन को मिलाकर टोटल 5 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3, और इसके बाद फिर से हम रिंग के अंदर 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये हमारा 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगा देंगे और इसी रिंग के अंदर हमें 2 टाइम्स और बनाना है। तो इसके बाद हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन। तो इस तरीके से हमें बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम ऊन को इस तरीके से फंसा देंगे और फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और इसी डिज़ाइन की मदद से हमें पूरा तोरण तैयार करना है। झालर में भी मैंने ऐसे ही टिक्की बना करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाया है और अभी हम तोरण का पट्टी बना रहे हैं तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे। जितना लंबा हमें तोरण की पट्टी बनाना है उसी के हिसाब से हम इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम फिर से यहाँ पर 4 चैन तैयार करेंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था और फिर फर्स्ट वाले चैन में हम
क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद फिर से 3 चैन और 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 3 चैन 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे और 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फाइव डबल क्रोशिया हमारा तैयार हो गया। इसके बाद इसे हमें पहले वाले टिक्की के साथ जोड़ना है। तो अभी हम यहाँ पर 1 चैन लगाएंगे और इसके बाद पहले वाला टिक्की को हम हाथ में लेंगे और इसे हम पीछे की तरफ से जोड़ेंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने 3 चैन बनाया था ठीक उसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम इसे लॉक कर देंगे और इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। तो टोटल हमारा 3 चैन हो गया। और इसके बाद वापस से आके इसे हम पूरा करेंगे। तो इसमें हम फिर से 5 डबल क्रोशिया 3 चैन 5 डबल क्रोशिया 3 चैन तैयार करेंगे और ये हमारा दूसरा टिक्की भी तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें जोड़ते हुए पट्टी तैयार करना है। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। बस इसी तरीके से अपने पसंद के कलर के ऊन से आप बीच वाला जो लाइन है वो पहले तैयार कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर येलो और ग्रीन कलर से पहले पट्टी तैयार कर लिया है जितना लंबा मुझे बनाना है। और इसके बाद हम इसका ऊपर और नीचे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। पट्टी को मैंने 4 कलर के ऊन से तैयार किया है, बीच में येलो ग्रीन और ऊपर लाइट ब्लू और नीचे मैंने पिंक कलर से तैयार किया है। तो अब हम ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 4 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 और 4 फर्स्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से इसमें 4 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4। अब इसे हमें पट्टी के साथ जोड़ना है। 2 टिक्की के बीच में हमें डिज़ाइन तैयार करना है। तो पीछे की तरफ से हमें जोड़ना है। तो सेकेंड वाला जो हमारा टिक्की है उसके ऊपर जो 3 चैन हमने लिया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करेंगे। और यहाँ पर हमें 2 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। और इसके बाद हम रिंग के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया और थर्ड वाले डबल क्रोशिया को हमें पूरा नहीं करना है। तो हम 3 का 2 फंदे तक रुक जाएंगे यहाँ तक। और इसके बाद इसे हमें जोड़ना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और इसके बाद हमारा जो ये टिक्की है तो इसका इसमें हमने टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाया था। तो इसके ठीक बीचों बीच हमें क्रूस को डालना है और यहाँ पर इसे हमें सभी को एक साथ लॉक करके यहाँ पर हम 1 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 चैन हो गया। इसके बाद हम फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया
और ये टू, और इसके बाद हम इसमें वन चैन लगा देंगे। ये हमारा वन चैन हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर दो टिक्की के बीच में कुरुस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करके फिर से वन चैन लगा देंगे। और इसके बाद हम फिर से कुरुस में फंदा लेंगे और वापस से रिंग के अंदर टू डबल क्रोशिया पूरा बनाएंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया को हम हाफ बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा वन डबल क्रोशिया हो गया, टू डबल क्रोशिया। यहाँ तक हम रुक जाएंगे, फिर क्रोश में फंदा लेंगे और दूसरे वाले टिक्की के बीच में हमने जो फाइव डबल क्रोशिया बनाया था तो ठीक उसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे और सभी को एक साथ लॉक करके इसमें हम वन चैन लगाएंगे और फिर से हम फंदा लेके वापस से रिंग के अंदर टू डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा टू डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम वन चैन लगा देंगे और फिर हम पीछे की तरफ टिक्की के ठीक ऊपर थ्री चैन के बीच में हम यहाँ पर लॉक करके फिर से हम वन चैन लगा देंगे और डिज़ाइन को हम आगे करके फिर से हम यहाँ पर वन डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा वन डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसे हम यहाँ लॉक करेंगे, थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को अच्छे से फंसा देंगे और फिर हम दोनों ऊन को हम बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया और बस इसी तरीके से हमें ऊपर और नीचे डिज़ाइन बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा डिज़ाइन बना करके दिखाती हूँ। जिस तरीके से हमने ऊपर बनाया है ठीक वैसे ही हम नीचे भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा सुंदर सा तोरण की पट्टी तैयार हो गया। अब हम इसके बीच में सुई की मदद से इस तरीके से मोती लगा देंगे। मोती जो है आप अपने पसंद के हिसाब से गोल्डन कलर का या फिर वाइट कलर का आप लगा सकते हैं। तो बस ऐसे ही हम मोती लगाते जाएंगे। मैंने बीच बीच में मोती लगाया है, आप चाहे तो ऊपर और नीचे भी मोती लगा सकते हैं और मैं आपको पूरा मोती लगा करके दिखाती हूँ। हमारा तोरण की पट्टी जो है तैयार हो गया। अब इसके नीचे हम झालर लगाएंगे। झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और झालर का लंबाई भी आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने तोरण में टोटल 19 झालर लगाया है।
तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम चार उंगली में इस तरीके से ऊन को करीब 20 बार लपेट लेंगे। अगर आपको झालर और भी मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके लपेट सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद हम बीचों बीच इस तरीके से अच्छे से बांध देंगे। फिर हम इसे बराबर करते हुए ऊपर की तरफ भी अच्छे से बांध लेंगे। इसके बाद हम बीचों बीच कैंची की मदद से इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर हम ऊपर वाले ऊन को अच्छे से एक बार और बांध लेंगे और फिर सभी को एक बार बराबर करते हुए नीचे की तरफ से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से झालर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम चैन बनाएंगे। चैन का जो दूरी है आप अपने पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं, जितना लंबा आपको झालर रखना है। बीचों बीच इस तरीके से हम ऊन को अच्छे से लॉक करेंगे और इसके बाद हम चैन बनाते जाएंगे। ऊन जोड़ते समय हमें ऊन को थोड़ा सा लंबा रखना है। फिर इसे हम इस तरीके से क्रूश की मदद से अंदर कर लेंगे और फिर से हम एक बार कैंची की मदद से कट कर लेंगे और इसके बाद हम चैन बनाना शुरू करेंगे। जितना लंबा हमें झालर बनाना है उसी के हिसाब से हम चैन बनाएंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट कर लेंगे, क्योंकि इसी ऊन की मदद से हमें तोरण पट्टी में झालर को जोड़ना है। तो बस ऐसे ही हमें जितना झालर तैयार करना है पहले हम उतना बना लेते हैं। हमारा तोरण पट्टी और झालर तैयार हो गया है। इसे हम इस तरीके से एक बार रख कर देख लेंगे कि कौन सा कलर का झालर कहाँ जाएगा और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। दो झालर का बीच का जो दूरी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। क्रूस की मदद से झालर को हम तोरण पट्टी के साथ इस तरीके से जोड़ देंगे। बस ऐसे ही झालर को तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है। मैं आपको एक और झालर जोड़ करके दिखा देती हूँ। बस इसी तरीके से हमें झालर को पट्टी के साथ जोड़ते जाना है। यहाँ मैंने तोरण पट्टी के बीचों बीच छोटा सा झालर लगाया है और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा। तो इसी तरीके से लंबाई बढ़ाते हुए मैंने झालर को एक साइड लगाया है और दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से लगाना है। और इसके बाद हम जब झालर हमारा पट्टी के साथ जुड़ जाएगा तो झालर के बीच बीच में हमें टिक्की तैयार करके इस तरीके से लगाना है। टिक्की हमने शुरू में जो बनाया था सेम वैसे ही हमें बनाना है और लास्ट में पूरा बनने के बाद हमें थोड़ा सा ऊन को छोड़ देना है, क्योंकि इसी ऊन की मदद से हमें मोती लगाते हुए झालर के साथ टिक्की को जोड़ना है। और झालर में टिक्की कितना जोड़ना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
टिक्की में हम इस तरीके से ऊन छोड़ देंगे और इसी ऊन में हम सुई को डालेंगे और इसके बाद इसे हमें झालर के साथ जोड़ना है। तो इस तरीके से मैंने मोती के साथ बीच बीच में टिक्की को इस तरीके से जोड़ दिया है। एक टिक्की जो है जोड़ करके मैं आपको दिखा देती हूँ। बराबर दूरी करते हुए हम झालर में इस तरीके से टिक्की को जोड़ देंगे। तो पीछे की तरफ से चैन को पकड़ते हुए हम सुई को टिक्की के अंदर डालेंगे, फिर हम मोती को इसमें डालेंगे और फिर इसे हम अच्छे से जोड़ देंगे। जिस कलर का हमारा टिक्की रहेगा उसी कलर के ऊन से हम टिक्की को जोड़ेंगे। टिक्की हमारा अच्छे से जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें पूरा झालर जो है तैयार करना है। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा, यह कम समय में ही जल्दी से तैयार हो जाता है। और आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।